हेलो एंड वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था, हमने कैसे सी एस बी फाइल को मर्ज किया था और हमने कैसे इमेज को जो हमने लोड किया था यूज़र फॉर्म में। तो ये सेकंड पार्ट, इसमें हम जो है नेक्स्ट हमारा जो होगा वर्ड वर्ड फाइल को हम कैसे मर्ज करेंगे, एक्सेल को कैसे मर्ज करेंगे और पी डी एफ फाइल को हम कैसे मर्ज करेंगे, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट में आपने चेक किया था यहाँ पे, अगर आप इसको रन करते हो, दिस इज़ द फॉर्म। इसमें आपने यहाँ पे जो है सी एस वी को आपने क्या कहता है कोडिंग की थी, यहाँ पे आपने सी एस वी किया, ओके किया आपने, जंक डेटा। ये हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में कर चुके हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट में, हम जो है इसमें मैं स्टार्ट करूँगा इसको वर्ड फाइल को कैसे आप मर्ज करोगे, ठीक है। वर्ड फाइल को आपको मर्ज करना होगा, उसके लिए मैं जो होगा इसमें कोड जो है राइट करूँगा, सब कंपाइल अंडरस्कोर वर्ड डेटा। सबसे पहले मैं आपको जो है डेटा दिखा देता हूँ वर्ड फाइल का, जो मेरे पास सभी ये डेटा अवेलेबल है। ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने सैम्पल ले रखा है, ठीक है। इसमें मेरे पास टू पेजेस हैं एंड इसमें मेरे पास वन शीट है, वन पेज। एंड इसमें मेरे पास भी वन ही है। इसमें एक जो है पैराग्राफ है, मैंने इसमें पैराग्राफ ले रखा है। और फोर्थ वाला मेरे पास भी यही है, इसमें मेरे पास वन पेज है, राइट। तो हम इन पेजेस को है कंपाइल करेंगे, वो हम इसमें वीडियो में जानेंगे कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारे एप्लीकेशंस होंगे, हम उसको जो वर्ड एप्लीकेशन होगा मैं उसको यहाँ पे रेफरेंस करूँगा। इफ दिस, ये मैं उसको एज अ लेट बाइंडिंग करूँगा, ताकि ये जब भी आप किसी भी पीसी में, अगर आप इसको किसी भी एडिन से अगर आप यूज़ करते हो एडिन में, तो एक किसी भी एक्सेल सॉफ्टवेयर में ये काम करेगा, राइट। तो मैं इसको बोलूँगा डिम डब्ल्यू डी अंडर स्कोर ऐप एज ऑब्जेक्ट। वर्ड ऐप के लिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर इसके लिए बोलूँगा मेन जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा डिम डब्ल्यू डी अंडर स्कोर मेन डॉक एज, ये भी हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद सेलेक्ट फाइल्स, इसको मैं एज ए वेरियंट जो होगा वेरियंट क्रिएट करूँगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट फाइल के लिए कर लेता हूँ, सेलेक्ट फाइल्स इज़ इक्वल टू, इसमें लास्ट वीडियो हमने चेक किया था, हमने कैसे किया था, गेट ओपन हमारा है, फाइल नेम जो है मेथड है। फिल्टर में आप यूज़ कर सकते हो फाइल फिल्टर, फाइल फिल्टर में आपको यहाँ पे पास करना होगा वर्ड फाइल्स, आप कुछ भी ले सकते हो, वर्ड फाइल्स ओनली वर्ड फाइल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रैकेट में स्टार डॉट डी ओ सी, उसके बाद आप स्टार भी लगा सकते हो, डी ओ सी भी आ सकता है, आपका डी ओ सी एक्स भी आ सकता है, कॉमा, उसके बाद आपको जो है सेम एक्सटेंशन होता है, आपको ये पेस्ट करना होता है जो आपने यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको डबल कोट्स में क्लोज कर दीजिए, फिर मल्टी सेलेक्ट पैरामीटर हम लेंगे, वी विल सेट इट टू ट्रू मल्टी सेलेक्ट। अब इसमें जो है हम कुछ थोड़ा एरर हैंडलिंग करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बोलने वाला हूँ इफ़ सेलेक्ट फाइल का जो एल बाउंड है, यानी अगर वो इसमें आ चुका है, सेलेक्ट फाइल्स इसको बोलते हैं इक्वल टू वी वी ए डॉट वी वी नल स्ट्रिंग, देन
इट मीन्स इफ वी हैव सेलेक्टेड अ फाइल्स, इफ वी हैव सेलेक्टेड अ फाइल्स दैट इज स्टोर्ड इन टू अ सेलेक्ट फाइल्स वेरियंट वेरिएबल एंड इफ वी गेट एल बाउंड ऑफ दिस सेलेक्ट फाइल इट मीन्स देर इज अ फाइल. If we don't get, it means there is no such files available. So simply we will say message box no files are selected. Hence, simply you can abort the operation and before exiting serve, it's good to reset your error. One error, go to zero. This will reset your error. Then you can say exit sub. Then and if, ठीक है. ये आपने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आपने कर लिया है इसको error handling. अब मैं यहाँ पे जो application होगी मैं application set करेंगे. Set WD app is equal to VVA dot interaction. तो इसका proper path use करेंगे class and object, class and method, create object. यहाँ पर आपको pass करना होगा word dot application. application pass करने के बाद आप इसको बोलोगे WD जो आपका app है dot visible. visible is equal to you can view it. ठीक है. उसके बाद मैं एक जो है नया डॉक्यूमेंट लूँगा जहाँ पे मैं एक्चुअली स्टोर करूँगा फाइल्स को, जहाँ पे मैं एक्चुअली कंपाइल करूँगा. मैं बोला इसको dim wd underscore, मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा new doc as ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे मैं इसको बोलने वाला हूँ सेट. यहाँ पे जो है इसका जो ऑब्जेक्ट मैं जो मैंने डिक्लेयर किया है अभी मैं इसको ओपन करूँगा. सेट डब्ल्यू डी न्यू डॉक इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोलूँगा डब्ल्यू डी ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट एंड. यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स आपका wdm dot documents. Then, ठीक है, देखते हैं इसको अभी. ऑटो कैपिटलाइजेशन नहीं हो रहा, बाद में देखेंगे. अब मैं एक जब आपने फाइल को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के लिए आपको एक लूप रन चाहिए होगा. काउंटर एज इंटीजर ले लीजिए आप, फोर काउंटर इज इक्वल टू बोलेंगे 1 to u bound of आपकी जो है सेलेक्ट फाइल्स जो आपने चूज़ किया हुआ है. यहाँ पे आप इसको बोलो नेक्स्ट काउंटर. ठीक है. अब यहाँ पे इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपने फाइल जो आपने एक्टिवेट किया हुआ है तो यहाँ बोलोगे wd new doc डॉट एक्टिवेट. ये एक्टिवेट हो जाएगी. एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पे इसको जो हमारी फाइल जो है एक्टिवेट होगी उसके हम सबसे लास्ट में जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे पास कोई इसमें रिकॉर्ड होगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो लास्ट वाला जो होगा आपका फर्स्ट ही पकड़ेगा शुरुआत में. वर्ड ऐप डॉट सेलेक्शन डॉट एंड की है हमारा. उसके बाद स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपसे यूनिट पूछता है. यूनिट में आपको डबल WD स्टोरी देना होता है जो कि होल पेज के लिए होता है. तो इसका जो इनमरेशन जो वैल्यू है इसका इनमरेशन वैल्यू वो 6 होती है वो. तो यहाँ पे मैं 6 पास कर रहा हूँ. और इसमें उसके बाद आपको WD ऐप में आपको क्या करना होगा, एक जो है पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ देना पड़ेगा. सेलेक्शन डॉट टाइप पैराग्राफ, बेसिकली आपको एक जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आप कुछ लाइन एंटर प्रेस करते हो नेक्स्ट लाइन में आते हैं, बेसिकली आप उसी को कह रहे हो टाइप पैराग्राफ. ठीक है. टाइप पैराग्राफ करने के बाद
WD ऐप में आना होगा आपको, डॉट सिलेक्शन डॉट, हमारे पास इसमें एक मेथड है इंसर्ट फाइल का, इंसर्ट फाइल। ये आपको अभी इंटेलिजेंस लिंक्स आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये मैं इसको लेट बाइंडिंग में कर रहा हूँ, अर्ली बाइंडिंग में आप चेक कर सकते हो उसके अर्ली बाइंडिंग में। ये जो आपकी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ पूरा, ये वही है। फाइल नेम आपको यहाँ पास करना होगा, सेलेक्ट फाइल्स में से कौन सी वाली, जो आपने काउंटर की जो फाइल ली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आने के बाद अब यहाँ पे जो आपने कंपाइल कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे इसको मैसेज बॉक्स दोगे। मैसेज बॉक्स आपने पास किया, अब यहाँ पे इसको एक सेलेक्ट कराओगे लोकेशन, सेलेक्ट ए लोकेशन टू सेव द कंपाइल्ड फाइल। उसके बाद आप यहाँ पे वी वी इंफॉर्मेशन आप पास कर सकते हो, उसके साथ आप वी वी ओके यू कैन अप्लाई, ठीक है। यहाँ तक आपको अप्लाई कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको एक वेरिएबल लेना होगा FLD के लिए, फाइल डायलॉग्स के लिए। तो यहाँ बोलूँगा डिम FLDS फाइल डायलॉग, मैंने फाइल डायलॉग बोल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलना होगा विथ FLD वी विल डू सर्टेन थिंग्स विथ फाइल डायलॉग्स एंड विथ, यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ डॉट शो इज इक्वल टू -1 विच इज, जो कि आपने फाइल डायलॉग्स का जो आपने ओपन ओपन यानी क्लिक किया हुआ है आपने। और मैं इसके लिए एक वेरिएबल लूँगा जहाँ पे मैं सेव करूँगा, स्टोर करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा डिम WD अंडरस्कोर फाइल पैथ एज स्ट्रिंग, अब मैं वही मैं बोलूँगा यहाँ पे WD फाइल पैथ इज इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम, जो आपने पाथ सेलेक्ट किया हुआ है। और इसमें मैं यहाँ पे एल्स, अगर आपने कोई पाथ सेलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पे सिंपली ये मैसेज बॉक्स आप टाइप कर सकते हो, यू हैव नॉट सेलेक्टेड ए पैथ टू सेव द फाइल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है फाइल होगा, जो यहाँ पे आपने एक मैसेज बॉक्स अपीयर किया, जो आपने कंपाइल किया हुआ डेटा है, ये जो कंपाइल किया हुआ डेटा है आपका WD डॉक में, वो आपको क्लोज करना है उसको, यानी उसको आपको ओपन नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो WD new doc dot close, यू डोंट वॉन्ट टू सेव द चेंजेस, कीप इट फॉल्स, ठीक है। फॉल्स करने के बाद आपको यहाँ पे WD ऐप जो होगा आपको क्विट करना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट सब करना होगा, एग्जिट सब यहाँ पे आप टाइप कीजिए एंड इफ। इतना करने के बाद जब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डिलीट द फाइल नेम इफ एग्जिस्ट्स विथ सेम नेम, डिलीट द फाइल इफ एग्जिस्ट विथ सेम नेम at chosen directory, ठीक है। जब वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, अगर आप जब किल करोगे उसको, आपको ऑब्वियसली एरर देगा, उस एरर हैंडलर को हैंडल करने के लिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको vba.kill करना है, आपका फाइल पाथ ऑब्वियसली जो आपने यहाँ पे फाइल पाथ बनाया है उसको आप कॉपी कीजिए स्पेस, एंड फाइल का नाम आप वहाँ पे जो होगा कुछ भी आप रख सकते हैं। इसमें मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा है कंपाइल डेटा कंपाइल्ड वर्ड डेटा डॉट doc,
डॉट डी ओ सी एक्स, ठीक है, ऑन एरर गो टू जीरो, दिस विल रीसेट. लेट्स सेव द कंपाइल डेटा. अब आपको जो है कंपाइल डेटा सेव करना है, डब्ल्यू डी न्यू डॉक वाला, डब्ल्यू डी न्यू डॉक डॉट सेव, सेव एज टू हमारा मेथड आता है, और इसमें आपको सेव करना होगा जो आपने जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो उसी फाइल को आपको जो है यहाँ पे सेव करना होगा. डब्ल्यू डी न्यू डॉक डॉट क्लोज, सेव चेंजेस ट्रू, डब्ल्यू डी ऐप डॉट क्विट, ठीक है. वंस यू हैव क्विट, वंस यू हैव डन ऑल द थिंग्स, आपको यहाँ पे बोलना होगा सेट डब्ल्यू डी न्यू डॉक, सेट डब्ल्यू डी न्यू डॉक इज इक्वल टू नथिंग, राइट, सेट डब्ल्यू डी ऐप इज इक्वल टू नथिंग, एट द लास्ट यू कैन से मैसेज बॉक्स. मैसेज बॉक्स में आप इसमें आप ये डाल सकते हो ऑल डेटा हैज बीन मर्ज्ड. अगर आप इसको अभी आप रन करोगे, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप भेजाऊँगा. ये आपने यहाँ पे फाइल जो है आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, यू है नो फाइल्स आर सिलेक्टेड, हैंस सपोर्टिंग एग्जिट सब. लेट्स रन इट अगेन, लेट्स सेलेक्ट योर फाइल्स. पास चार फाइल्स आ गई हैं. अभी जो होगा अभी एप्लीकेशन से कनेक्ट होगी, आपका जो ट्रू हो गया, अगर आप बैकग्राउंड में चेक करोगे यहाँ पे तो आ चुका है, ठीक है. इसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक वर्ड डॉट एक्टिवेट करना है, ऊपर ऐड करना है, तो यही ऐड हो जाएगा. वन टू यू हैव सेलेक्टेड आई थिंक फोर फाइल्स, तो फोर फाइल्स के लिए अब लूप चलेगा. जो आपका वर्ड इंश्योर कि आपका वर्ड जो आपका न्यू डॉक्यूमेंट एक्टिव रहे वो सबसे एंड में जाएगा. एंड में मैंने यहाँ पे अगर कोई भी कुछ भी टेक्स्ट होगा तो सबसे एंड में चला जाएगा. एंड में जाने के बाद क्या करेगा, वो टाइप पैराग्राफ करेगा. इट मीन्स कि उसकी एक लाइन नीचे जाएगा, वो लाइन नीचे गया, उसके बाद जो होगा फाइल जो होगी वो पहली वाली फाइल होगी. पहली वाली फाइल इसने क्या किया है यहाँ पे एज अ ले आया है वहाँ पे. फिर सेकंड दोबारा एक्टिवेट होगा, फिर दोबारा अगर आप चेक करोगे मेरा यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ चुका है, यू कैन सी माय कर्सर इज ब्लिंकिंग देयर. एंड इफ आई रन दिस लाइन इट विल प्रेस एंटर, ठीक है. और दोबारा दूसरी फाइल जो होगी इंसर्ट हो गई, सेम मैसेज आप देखोगे कर्सर मेरा नीचे आ गया. तीसरी फाइल इंसर्ट हो गई और चौथी फाइल जो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है. यू हैव टू सेलेक्ट ए मैसेज, क्या आपको मैसेज जो है सेलेक्ट, आपको पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इसको रखना है. ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है मुझे अभी यहाँ पे देना था सेट एफ एल डी करना था मुझे. सेट एफ एल डी इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग्स. ऑफ कोर्स वी आर पिकिंग अ फोल्डर पिकर, वी आर यूजिंग अ फोल्डर पिकर. मैं कर्सर यहाँ ले जाता हूँ, डेस्कटॉप बोला मैंने, ठीक है. अब इसमें जो पाथ है वो डेस्कटॉप का पाथ इसने पिक कर लिया है. पाथ पिक करने के बाद पहले चेक करेगा क्या इस नाम की जो फाइल है मेरे पास क्या वो एग्जिस्ट करती है. इफ़ देयर, इफ दिस फाइल एग्जिस्ट फर्स्ट डिलीट देन सेव. सेव कर दिया, क्लोज हो गया आपका, क्विट हो गया. एंड ये आई थिंक लाइन जो होगी आपकी मैसेज बॉक्स और डेटा एडमिन से एंसर. अगर आप इसमें चेक करोगे यहाँ पे आपका जो फाइल होगा वो आपका मर्ज होके जो कंपाइल सेव हो चुका है, ठीक है. ये हो गया यहाँ पे. तो अब क्या कर सकते हो, उसको यूज़र फॉर्म में यहाँ पे आने के बाद अब जहाँ पे ये वर्ड आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे वर्ड फाइल्स, वर्ड फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको कॉल करा सकते हो मॉड्यूल टू डॉट कंपाइल वो डेटा, ठीक है. मैं इसको एक बार रन करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आपको. वर्ड फाइल, ठीक है, यू आर अबाउट टू कंपाइल, सिलेक्ट वर्ड फाइल्स. यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आप चेक करोगे मेरे पास कंपाइल हो रखा है, ये
वो इसको रिमूव करके नया जो है एडजस्ट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। सेलेक्ट लोकेशन, डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं, ऑल डेटा हैज़ बीन मर्ज, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी फाइल, ठीक है। तो ये तो हमने किया इसमें वर्ड का। हम चलते हैं जो सबका फेवरेट है एक्सेल। अब हम जो हो गया एक्सेल की हम कोडिंग करेंगे। ये वाला है, वी विल कोड दिस एक्सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल 2 में आया था हूँ दोबारा। मैं यहाँ पे बोलूँगा सब कंपाइल अंडरस्कोर एक्सेल डेटा, कंपाइल अंडरस्कोर एक्सेल डेटा आपको यहाँ पे कंपाइल करना है। तो सबसे पहले मैं वही करूँगा जो होगा फाइल होगी, मैं सेलेक्ट करवाऊँगा। मैं बोलूँगा डिम सेलेक्ट अंडरस्कोर फाइल्स, ये हमारा वेरिएंट रहेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला सेलेक्ट फाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दे दीजिए एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम। यहाँ पे आपको फाइल फिल्टर में आपको यहाँ पे देना होगा। बेसिकली आपको यहाँ टाइप कर दीजिए एक्सेल फाइल्स, और इसमें आप स्टार डॉट एक्स एल एस, उसके बाद स्टार दे दीजिए फॉर एनी एक्सटेंशन। उसके बाद जो आपने लिखा हुआ है आप उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा कॉमा देन पेस्ट इट, ठीक है। कॉमा उसके बाद आपको जो है मल्टी सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट सेमी कॉलन इज इक्वल टू ट्रू एंड सेपरेटर एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम फाइल फिल्टर एक्सेल फाइल्स, ओके। सो यहाँ पे आपका जो है डबल कोट्स आएगा, आपने क्लोज नहीं किया। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, इफ सेलेक्ट फाइल्स एल बाउंड, एल बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स इफ इज VBA डॉट VB null string then and if message box no files are selected hence aborting। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन एरर गो टू जीरो रीसेट करना होगा एरर, देन यू कैन से एग्जिट सब, ठीक है। आपको मैं एक्सेल फाइल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल फाइल कहाँ है मेरे पास। मेरे पास ये बेसिकली एक्सेल फाइल है, ये मेरे पास डेटा है यहाँ पे हेडर 1 हेडर 2 हेडर 7 के नाम से। आपके पास डिफरेंट शीट्स हैं, एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हैं आपके पास। एंड हेडर 1 ये बेसिकली मैंने स्टेटोरियल के लिए लिया हुआ है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने एंड पे। एक फाइल ये हो गई आपकी सैम्पल फाइल, ये है फोर्थ सैम्पल फाइल, इसमें आपके पास फोर शीट्स हैं। मैं एज अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट आई हैव लिमिटेड हेडर्स विच इज़ ओनली 7। If you want to compile the data, you must have the header column same of each file count. Header column count must be same of each file and each sheet, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें एक मैसेज बॉक्स अपे कराऊंगा। पहले बोलूंगा सेलेक्ट फाइल,
यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा मैसेज बॉक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेलेक्ट लोकेशन टू सेव दी कंपाइल्ड फाइल। VB information plus, you can also VB OK button, right? You can also place VB OK button only. And before that, we I want to after that I want to make it application dot screen updating. Screen updating is equal to make it false. ठीक है, then I will introduce FID dim file FID as file dialog. मैं यहाँ बोलूँगा set FID is equal to application dot file dialog. We will pick a folder. After picking a folder with FID and with we will say if dot show, if space dot show is equal to minus one, then we will do something, and if else. तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा फाइल पास, जहाँ पे हम सेक करेंगे उसका कैप्चर करने के लिए बोलूँगा डिम एक्सेल अंडरस्कोर फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। एक्सेल फाइल पाथ इज इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, इन केस अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आप सिंपली कह सकते हो मैसेज बॉक्स यू हैव नॉट सेलेक्टेड ए पाथ टू सेव द फाइल। उसके बाद आप यहाँ पे इसको एग्जिट सब कह सकते हो, एग्जिट सब। ठीक है, ये तो आपने इसमें एरे हैंडलिंग कर ली। इधर एरे हैंडलिंग करने के बाद इस फाइल को आपको जो होगा सेव करना होगा। सेव करने से पहले आपको चेक करना होगा कि वहाँ पे कोई इसी नाम से तो फाइल एग्जिस्ट तो नहीं हो रखी है। तो सिंपली आप यहाँ पे एरर मैसेज दे सकते हो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट वीवीए डॉट किल। बीवीआर डॉट किल में आप जो है इसमें फाइल का नाम पाथ आपका जो आपने कैप्चर किया होगा एंड उसके बाद बैक स्पेस के बाद आप यहाँ पे कंपाइल्ड डेटा डॉट एक्स एल एस एक्स ऑन एरर गो टू ज़ीरो, दिस इज़ फॉर योर रीसेटिंग द एरर। ठीक है, आपने यहाँ पे जो एरर रीसेट कर लिया, फिर उसके बाद जो है आपको एक वर्कबुक होगी, वर्कबुक ऐड करनी होगी, वर्कबुक्स जो आपकी न्यू वर्कबुक होगी जहाँ पे आप कंपाइल करके डेटा रखोगे वर्कबुक डॉट ऐड। उसके बाद डॉट सेव एज मेथड मैं इसमें यूज कर लूँगा। सेव एज मेथड में आपके पास जो फाइल नेम आती है, फाइल नेम बेसिकली वही दूंगा जो मैंने यहाँ पे ऊपर दे रखा है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो हमारा वर्कबुक डॉट ऐड हुआ है, जो नया वर्कबुक डॉट ऐड हुआ है, इसको मैं एक वेरिएबल में जो है कैप्चर करूँगा। तो मैं इसके लिए बोलूँगा, जो मैं एक वेरिएबल लूँगा, बोलूँगा मैं डिम टारगेट वर्कबुक, डिम टारगेट वर्कबुक एज और सॉरी डिम टारगेट वर्कबुक एज वर्कबुक वर्कबुक। और यहाँ पे जो मेरा, अब मैं इसको सेट करूँगा जो मैंने इसमें अभी जो टारगेट वर्कबुक लिया है, सेट टारगेट वर्कबुक इज़ इक्वल टू, जब आप फाइल को जब आप ओपन करके सेव करोगे तो
तो बेसिकली वो आपकी एक्टिव वर्कबुक कहलाएगी उस वक्त। तो आपने यहाँ पे इसको एक्टिव वर्कबुक आपने इसको ऐसे लिख लेना है। एक्टिव वर्कबुक के अंदर जो आपका शीट वन होगा, टारगेट वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, वर्कशीट्स में जो आपकी जो पहली वाली शीट होगी डॉट रेंज, रेंज में आपके पास मान लीजिए मैंने आपको दिखाया था उसमें कितने हेडर्स हैं आपके पास, आप देखोगे यहाँ पे किसी भी एक डेटा का हेडर आप पकड़ लो, तो बेसिकली कॉमन है सबका हेडर, ये है टोटल सेवन है, 5 6 7, ठीक है, सेवन हेडर्स हैं टोटल। तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ रेंज A12, ये आपका जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये G1, G1 डॉट वैल्यू, G1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, एरे में आप पास कर दीजिए, एरे में आपको क्या पास करना है, हेडर वन आपकी जो वैल्यू है आप वहाँ पर इसको लिखना चाहते हो हेडर वन कॉमा, ये आपको टोटल हेडर्स 7 तक ले जाना है इसको, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट 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 वन, और सॉरी वन रहेगा आपका ये, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसको क्लोज कर देना। जब भी ये फाइल ओपन होगी नई वाली, उसमें क्या करेगा, हेडर जाके वहाँ पे प्रिंट कर देगा 1 to 7 तक, ठीक है। 1 to 7 तक प्रिंट करने के बाद फिर आपको जो होगा एक लूप चलाना होगा 1 by 1 फाइल्स पे। तो आप यहाँ पे लूप के लिए एक वेरिएबल ले लीजिए, मैंने बोला डिम काउंटर एज इंटीजर फॉर काउंटर इज इक्वल टू एल बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स टू यू बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स नेक्स्ट काउंटर। अब लूप के अंदर आप क्या करोगे, बेसिकली लूप के अंदर आपकी जो 1 by 1 जो आप वर्कबुक एक्टिवेट करोगे, उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा सोर्स वर्कबुक, हम उसको बोलेंगे सोर्स वर्कबुक, डिम वर्कबुक एज सोर्स वर्कबुक। जब इसको ओपन करोगे लूप में तो आपकी जो होगी सोर्स वर्कबुक कहलाएगी, वो बोलूँगा सेट सोर्स वर्कबुक इज इक्वल टू, आप जो ओपन करोगे वर्कबुक्स डॉट ओपन, ओपन में आप जो वर्कबुक करोगे सेलेक्ट फाइल्स में जो काउंटर जो आएगा वो आप इसको ओपन करोगे एज ए, वो आपकी सोर्स वर्कबुक होगी। अब सोर्स वर्कबुक के अंदर आपके पास काफ़ी सारी जो होंगी शीट्स होंगी, तो मैं उस शीट्स के लिए जो होगा एक वेरिएबल लूँगा, मैं बोलूँगा डिम डेटा अंडरस्कोर WS एज वर्कशीट्स, वर्कशीट बोला आपने। अब इसमें मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा, मैं बोलूँगा फॉर ईच डेटा WS इन सोर्स वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स नेक्स्ट डेटा WX, यानी नेक्स्ट वाले पे जाए, नेक्स्ट वाले वर्कशीट पे जाए, नेक्स्ट वाले शीट पे जाए। फिर उसके बाद मैं एक रेंज के लिए लूँगा एक वेरिएबल लूँगा, मैं बोलूँगा डिम सोर्स रेंज एज रेंज, कौन सी रेंज पिक करनी है उसके लिए लेता हूँ मैं ये वेरिएबल। मैंने यहाँ पे उसको बोला सेट सेट सोर्स क्या है इसका नाम, एस आर सी सोर्स रेंज इज इक्वल टू, जो आपका इसमें डेटा वर्कशीट होगा डेटा वर्कशीट डॉट रेंज, रेंज का जो A1 डॉट करेंट रीजन जो प्रॉपर्टी होगा मैं वो पकड़ लूँगा। पकड़ने के बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा सोर्स रेंज, मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, जब भी मेरा डेटा ओपन होगा, डेटा ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे जो अभी इसने ये पिक किया है मैं इसको एक नीचे ले जाऊँगा, एक रो मैं इसको ऐसे नीचे ले जाऊँगा
सॉरी ये आपका ऐसे ही जाएगा। इसको मैं ये वाला जो होगा ये सिलेक्ट करूँगा हेडर छोड़ के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया सोर्स रेंज डॉट ऑफसेट। ऑफसेट मुझे क्या जाना है, वन रो मुझे ऑफसेट जाना है, कॉलम मेरा नहीं जाना है मुझे ऑफसेट। डॉट रिसाइज यानी मुझे जब वो मेरा प्ले जो मेरा नीचे आ जाएगा, एक रो के नीचे आ जाएगा, लास्ट वाले रो से एक रो नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा रिसाइज कर दूँगा, एक रो माइनस कर दूँगा मैं। तो मैं इसमें बोलूँगा सोर्स रेंज डॉट रोज डॉट काउंट माइनस वन। अब इसका जो मैं कॉलम मेरा बेसिकली वही सेम रहेगा, तो उसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अगर मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँ तो बेसिकली डेस्टिनेशन दे रहा है स्पेस अंडरस्कोर। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँगा, जो मेरा टारगेट जो वर्कबुक है वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करना होगा, शीट वन में जो पहली जो हमारी शीट होगी जहाँ पर हमने इसको दिया होगा डॉट सेल्स। सेल्स में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, शीट वन डॉट रोज डॉट काउंट, रोज डॉट काउंट, काउंट के बाद कॉमा आपका फर्स्ट कॉलम का डॉट एन एक्सेल अप डॉट रो, और सॉरी एन एक्सेल अप डॉट ऑफसेट। वन रो आपका ऑफसेट हो जाए, बस वहाँ पर जाके डेस्टिनेशन पे ये क्या करें पेस्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देगा, पेस्ट करने के बाद जब ये नेक्स्ट वहाँ पे जाए लूप में जाए, जो मेरा सोर्स वर्कबुक है वो शुड बी क्लोज होना चाहिए, सोर्स वर्कबुक डॉट क्लोज फॉल्स, वी डोंट वांट टू एनी सेव द चेंजेस, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। हमने उसको फॉल्स कर दिया, उसके बाद जब ये एक बार ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, जो हमारा टारगेट जो वर्कबुक होगा, टारगेट वर्कबुक हम इसको अभी क्लोज कर देंगे और हम इसको सेव कर लेंगे ट्रू, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम इनेबल कर देंगे यहाँ पे। एट द एंड वी कैन से मैसेज बॉक्स ऑल डेटा हैज बीन मर्ज्ड, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन पास कर दी कि आपकी जो सारा डेटा है जो मर्ज हो चुका है। तो मैं इसको एक बार कंपाइलर देखता हूँ, फाइल पैथ, फाइल पाथ के, फाइल पाथ नहीं एक्चुअली आपका एक्सेल फाइल पाथ है ये, एक्सेल अंडरस्कोर फाइल पाथ, ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर गुड टू गो। मैं इसको F8 मोड पे रन करूँगा, अभी मेरे पास कोई ओपन नहीं है। F8 मोड पर रन किया मैंने, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, आपके पास मैसेज आ जाएगा नो सेलेक्टेड हैंड सपोर्टिंग। दोबारा मैं रन करता हूँ उसको, सेलेक्ट किया आपने फाइल्स, पहले आपको बोल रहा है लोकेशन सेव करो, आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो। यस, मैं इसको जो है सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे किस नाम से ये सेव होगा आप यहाँ पे चेक करोगे, ये आपका जो इसने फाइल पिक कर लिया है डेस्कटॉप पे, बेसिकली इस नाम से अगर सेव होगा तो इसको पहले डिलीट कर देंगे। अगर फाइल नहीं मिलेगी तो इसमें अगर आप चेक करोगे यहाँ पे डॉट सेव एज, ये ओपन भी हो गई और ये फाइल आपकी जो है डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव भी हो चुकी है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, देख रहे हो। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, ये तो हमारी जो है बैकग्राउंड में खुल के आ गई है, एक्टिव वर्कबुक बोल दिया मैंने। अगर आप यहाँ पे क्या करेगा, ये हेडर प्रिंट कर देगा, ठीक है। हेडर प्रिंट करने के बाद जो फर्स्ट वाली फाइल होगी ओपन करेगा, वो इस शीट में जाएगा, पेस्ट करेगा डेटा, ये क्लोज होगी। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तीनों शीट का डेटा यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया है, तो सेम वो वही करने वाला है यहाँ पे।
आप सिंपली इसको रन कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, ऑल डेटा हैज़ बिन मर्ज्ड। और यहाँ पे आप चेक करोगे जितना भी आपका जो डेटा है वो आपका मर्ज हो चुका है। ठीक है गाइस, ये कोड है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है हेडर वेडर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर अगर आपको हेडर ही पेस्ट करना है तो आप ये वाली लाइन हटा के सीधा करंट रीजन होगा वो आप पेस्ट कर सकते हो सभी फाइल्स के शीट का। मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, यूज़र फॉर्म में आ गया मैं यहाँ पे, कंपाइल में हमारा जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कॉल मॉड्यूल टू डॉट कंपाइल एक्सेल फाइल। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे एक्सेल फाइल पे यहाँ पे आके कंपाइल, यू आर अबाउट टू कंपाइल एक्सेल फाइल, सिलेक्ट एक्सेल फाइल, ये सिलेक्ट कर ली मैंने, ओपन किया जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप है मेरा लोकेशन। चेक करोगे बैकग्राउंड में जो है इसमें अभी कंपाइल हो रहा है फाइल। ठीक है, कंपाइल होने के बाद ऑल डेटा हैज़ बिन मर्ज होके यहाँ पे आपका जो है कंपाइल हो गया है। ठीक है, हम गाइस हम इसके अब आगे हैं लास्ट पार्ट, लास्ट कोडिंग पे, जहाँ पे हम जो होगा इसमें हम ये मर्ज करेंगे पीडीएफ फाइल। गाइस पीडीएफ फाइल के लिए मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरे को क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी पीडीएफ फाइल की मर्ज करने के लिए। इसका जो मेरे पास जो वर्जन है पीडीएफ का, एडोब एक्रोबेट का 11 प्रो है। अगर आपके पास ये वाला वर्जन है, इफ़ यू हैव दिस वर्जन और अराउंड दिस वर्जन, देन यू कैन ईजली कंपाइल एडोब एक्रोबेट फाइल ऑल्सो। ठीक है, मैं तो वही मैं अब इसमें जो है मैं करने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको सैम्पल्स फाइल दिखा देता हूँ मेरे पास कौन कौन सी जो है इसकी सैम्पल फाइल्स हैं एडोब की। अगर आप चेक करोगे मेरे पास फर्स्ट में मेरे पास ये है वन पेज, वन प्लस टू थ्री पेज, थ्री प्लस फाइव एट पेजेस, एट प्लस सिक्स 14 पेजेस, टोटल मेरे पास 14 पेजेस हैं। आइए हम इसको मर्ज करते हैं, लेट्स मर्ज, लेट्स कोड दिस। सब मैंने यहाँ पे बोल दिया कंपाइल, कंपाइल अंडरस्कोर पीडीएफ डेटा। ठीक है, ये भी मैं एक्चुअली लेट बाइंडिंग करने जा रहा हूँ, इस वाले मेथड को भी मैं लेट बाइंडिंग में यूज़ करने वाला हूँ, लेट बाइंडिंग मेथड में यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। और जो इसमें जो इसके ये कहते हैं इसमें मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं सेट, ओह सॉरी एक सेकंड, आर यू आर नॉट रनिंग ना। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे कोई जो रेफरेंस लाइब्रेरी है मैंने कोई सेट नहीं कर रखी है, अगर आप चेक करोगे ये सारा मेरा लेट बाइंडिंग में है। मैं इसमें बोलूँगा डिम एक्रो अंडरस्कोर एप एज ऑब्जेक्ट, आई विल टेक दिस एज ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा डिम एक्रो अंडरस्कोर टारगेट डॉक एज ऑब्जेक्ट, इसको ही मैं एज ऑब्जेक्ट ले लूँगा। ये लेट बाइंडिंग में करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है उसको, डिम एक्रो अंडरस्कोर डेस्ट डॉक एज ऑब्जेक्ट, इसको भी मैं जो है एज ए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा। फिर उसके बाद जो मैं फाइल्स के लिए लूँगा डिम सेलेक्ट फाइल्स, डिम सेलेक्ट फाइल्स ले लिया इसको। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एरर हैंडलिंग कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ था यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का एरर हैंडलिंग, आप इसको सिंपली आप कॉपी पेस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो, चारों इसमें मैंने अप्लाई कर रखे हैं। अब यहाँ पे इसको बोल सकते हो पीडीएफ, पीडीएफ फाइल्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डॉट पीडीएफ
एंड यहाँ पे आपका पीडीएफ, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं सेट एक्रो ऐप इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलूँगा VBA डॉट इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट हमारा एक मेथड होगा, यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा एक्रो एक्सचेंज EXCH डॉट ऐप। ये आपका एक्रो ऐप जो होगा आपने इसको सेट कर लिया। उसके बाद आपको जो होगा सेट एक्रो आपको टारगेट डॉक करना होगा, टारगेट डॉक इज इक्वल टू VBA डॉट इंट्रैक्शन डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसको क्या दोगे, यहाँ पे आप इसको लिखोगे एक्रो एक्सचेंज डॉट पी डी डॉक, आपको ऐसे जो होगा टाइप करना होगा। सेम आपको सेट करना होगा किसके लिए, एक्रो डेस्क डॉक के लिए, ठीक है। सेम आपका ही रहेगा एक्रो एक्सचेंज डॉट पी डी डॉक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओपन ओपन करानी है आपको कौन सी डेस्टिनेशन डॉक, डेस्क डॉक। तो आप यहाँ पे बोलोगे एक्रो डेस्क डॉक डॉट ओपन आपका मेथड है। ओपन में आपके पास जो फर्स्ट वाली जो आपकी सेलेक्ट फाइल से आ रही है, सेलेक्ट फाइल एल बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स, फर्स्ट आपने यहाँ पे जो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक साथ के साथ मैं आपको एक एरर हैंडलर भी देता चलूँगा। ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, इन केस देयर इज़ एन एरर तो क्या करेगा, वो जाके एरर हैंडलर पे जाके चला जाएगा वहाँ पे। एरर हैंडलर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एरर हैंडल बोलने वाला हूँ, इसमें लिखने वाला हूँ मैं, इसमें एट द एंड में आ गया, मैं बोला एरर, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एरर हैंडलर, एरर हैंडलर हमारा जिसमें लेबल आ गया, यहाँ पे मैं बोल दूँगा मैसेज बॉक्स में आप यहाँ कर सकते हो कुड नॉट बी मर्ज्ड ड्यू टू, आप यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू आप VBA डॉट इसमें एरर डॉट डिस्क्रिप्शन, ये मर्ज नहीं होगा, जो आपका सेट जो आपने इसमें एप्लीकेशन जो सेट कर रखी हैं, जो ओपन कर रखी हैं एक्रो, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्रो टारगेट, पहले आप कुछ भी लिख सकते हो एक्रो टारगेट डॉट इज इक्वल टू नथिंग, देन आप सेट एक्रो टारगेट डॉक इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है, सेट एक्रो ऐप इज इक्वल टू नथिंग। जब आप हैंडलर में जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पहले एग्जिट सब लिखना होगा, जब आपका एरर नहीं आएगा तो बेसिकली ये वाली लाइन भी जो होगी रन हो जाएगी, तो दिस इज़ आपको जो है ध्यान में रखना होगा। और एट द एंड मैं बोल दूँगा मैसेज बॉक्स ऑल डेटा हैज़ बीन मर्ज्ड, ऑल डेटा हैज़ बीन मर्ज्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना जो है एरर हैंडलिंग कर लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक लूप चलाने वाला हूँ, मैं लूप में चलाऊँगा इसमें, लूप के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा डिम काउंटर लॉन्ग। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा एरर हैंडलर है उसके नीचे ही मैं बोलूँगा फॉर काउंटर इज इक्वल टू एल बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स
प्लस वन उसके आगे से लूप करे सेकंड फाइल से, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली फाइल जो है हमने ऊपर ही ओपन करा ली है, यू बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स ओला मैक्स काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा हमारा लूप चलेगा, लूप चलने के बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा जो हमारी पहली जो टारगेट डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाए, डॉक ओपन सेलेक्ट फाइल्स में आपका काउंटर वाली जो सेकंड वाली फाइल्स होगी वो ओपन होगी। ओपन होने के बाद एक सेकेंड सिंगल आएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फिर बोलना पड़ेगा इफ कंपाइल के लिए, मर्ज के लिए, इफ एक्रो डेस्ट डॉक, यहाँ पे आपको जो इंटेलिजेंस लिस्ट नहीं मिलेगी, इंसर्ट पेजेस, चांसेस की आप बहुत गलतियाँ करोगे इसमें, एक्रो डेस्ट डॉक डॉट गेट नम पेजेस, गेट नम पेजेस जितने भी इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं आपका टारगेट जो होगा टारगेट डॉक से आएगा, कितने कौन से पेजेस आपको करना है, फर्स्ट पेज से आपका जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है, और कितने पेज करने हैं टारगेट डॉक से, डॉक्स के जितने भी सारे पेज होते हैं वो करने हैं, गेट नम पेजेस, नम पेजेस, गेट नम पेजेस कॉमा, आपको जो फ्लैग इंसर्ट करना है नहीं करना आप यहाँ पे, ट्रू, अब दिस इज इक्वल टू ट्रू, देन एंड इफ, यहाँ पे आप टाइप कर दो मैसेज बॉक्स, सिंपली आप टाइप कर दो मर्ज इन प्रोसेस, ठीक है, आपका यहाँ पे जो होगा ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया था टारगेट डॉक डॉक वाला, आपको क्लोज करना होगा, क्लोज द टारगेट डॉक, टारगेट डॉक डॉट क्लोज, आपको मैंडेटरी है क्लोज करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप जो होगा एक मैसेज बॉक्स दोगे, मैसेज बॉक्स सेलेक्ट ए लोकेशन टू सेव PDF फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे जो सेलेक्ट लोकेशन है आप जो PDF फाइल करोगे, मैं यहाँ पे जो है FLD जो है इसमें FLD इंट्रोड्यूस करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा dim FLD as फाइल डायलॉग, यहाँ पे मैं बोलूँगा सेट FLD is equal to application dot फाइल डायलॉग, आपका जो होगा फोल्डर पिकर, फोल्डर पिकर में विथ FLD एंड विथ, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ इफ डॉट शो इज इक्वल टू माइनस वन, देन एंड इफ एल्स, एक इसका मैं एक वेरिएबल लूँगा पाथ को स्टोर करने के लिए, मैं बोलूँगा dim PDF फाइल पाथ, पाथ स्ट्रिंग, इसके लिए मैं इसको ऊपर ही ले जाता हूँ तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा PDF फाइल पाथ इज इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है इसमें से तो सिंपली आपको क्या करना होगा, मैसेज बॉक्स आपको अपीयर करना होगा, मैसेज बॉक्स में आप यहाँ लिख सकते हैं यू हैव नॉट सेलेक्टेड ए पैथ टू सेव द फाइल
कॉमा में आप इसको वीवी इंफॉर्मेशन, वीवी इंफॉर्मेशन प्लस ओके बटन, ओके बटन आपको इसमें जो अपने टारगेट डॉक होगा आपको क्लोज करना होगा, और इसके बाद एक्रो जो डेस्टिनेशन डॉक है वो भी आपको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद आपको जो एक्रो ऐप होगा दो वो भी एग्जिट करना होगा, और सॉरी क्विट, यस एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट काम करता है पीडीएफ में। एंड उसके बाद आपको जितनी भी आपकी है सेट एक्रो डेस्ट डॉक इज इक्वल टू नथिंग, सेट एक्रो टारगेट डॉक इज इक्वल टू नथिंग। गाइज ये मैं इसको डायनेमिक बता रहा हूँ एकदम, ताकि कोई भी एरर ना आए रन करने पे। सेट एक्रो ऐप इज इक्वल टू नथिंग, इसमें हो गया आपका एक्रो ऐप सब्ती का हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आपको बोलना है एग्जिट सब, एग्जिट सब अगर कुछ आपने कैंसिल किया वहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो एग्जिट सब भी आपको बोलना पड़ेगा। एग्जिट सब आपने यहाँ बोल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक एरर मैसेज होगा जो इंट्रोड्यूस करूँगा, सॉरी ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का, जब आप फाइल सेव करोगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट ऑन एरर गो टू ज़ीरो, यहाँ पे मैं इसको किल कराऊँगा वीवीए डॉट किल। आपने जो पीडीएफ फाइल पाथ से आया होगा आपका पीडीएफ फाइल पाथ एंड बैक स्पेस, यहाँ पे आपका होगा मर्ज्ड के नाम से डॉक्यूमेंट मर्ज डॉट पीडीएफ, ठीक है मर्ज डॉट पीडीएफ यहाँ पर किल करना होगा। किल करने के बाद एक्रो आपका होगा डेस्क डॉक डॉट सेव स्पेस डॉट सेव स्पेस वन, जो कि आपका फुल सेव करेगा पीडीएफ फाइल से आपकी जो भी, यहाँ पे कॉपी कर लो उसको पूरा, आप इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे आपका कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल दूँगा, मैं एक और लेवल लगा लेता हूँ, गो टू एग्जिट सब, मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया है गो टू एग्जिट सब। बेसिकली एग्जिट सब में क्या करेगा जाके ये, ये हमारा सबसे लास्ट में रहेगा मैसेज बॉक्स जो होगा हमारा, जो हमारा ये एग्जिट सब का जो लेवल है मैं बेसिकली यहाँ पे इसको रखूँगा। इस लेवल के ऊपर भी आपका एक एग्जिट सब का जो होगा मैसेज होना चाहिए एग्जिट सब, नहीं तो फिर जो होगी ये वाली भी जो जिसके नीचे आप जो रखने वाले हैं वो भी आपका जो कोड होगा रन हो जाएगा। सिंपली आप इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है इसको यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, जब आपका सेव हो जाए, सेव होने के बाद आपको एग्जिट सब होना है, तो इसलिए मैंने एक और लेवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया एग्जिट सब के लिए, एग्जिट सब से यहाँ ना जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और लेवल इंट्रोड्यूस किया ये इसके लिए। जब कोई एरर आता है उसके बाद एरर वाला यहाँ पे यहाँ जाए एरर हैंडलर पे, उसके बाद ना जाए, ताकि मैंने इसको एग्जिट सब यहाँ पे भी एक दे रखा है, ठीक है। दिस इज़ द एरर हैंडलिंग लॉजिक इन वीवीए। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उसके बाद मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक बार आप रन करके देखता हूँ, एक सेकेंड, इसमें तो कोई एरर नहीं है मेरे पास, ठीक है नहीं फ़िलहाल मेरा कोई एरर नहीं दिखा रहा है इसमें, इसको एक बार F8 मोड पे रन करता हूँ मैं। फाइल आपने कैंसिल की, कैंसिल करने के बाद आपने यहाँ बोला नो फाइल्स आर सिलेक्टेड हैंस अबॉटिंग ओके, दोबारा इसको रन करता हूँ F8 पे, सेलेक्ट कर लिया आपने चार फाइल्स, इनिशियलाइज कर दिया, फर्स्ट वाली फाइल होगी जो आपकी मेमोरी में ओपन हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट वाली फाइल कौन सी आपकी,
देखोगे इसमें फर्स्ट फाइल आपकी ओपन हो गई, ये सेकंड फाइल से चलेगा ये, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट प्लस वन सेकंड सेकंड फाइल अब यहाँ पे ओपन हो जाएगी मेमोरी में। कुड नॉट बी मर्ज ड्यू टू वेरिएबल नॉट सेट, ओके एग्जिट सब हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक जो वेरिएबल हमने सेट नहीं किया है, कौन सा हमने वेरिएबल सेट नहीं किया है वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ आपको। एक्रो ऐप हमने ले लिया, एक्रो टारगेट डेस्क ले लिया, ठीक है। सिलेक्ट फाइल्स आगे कंट्रोल एफ एल डी, फाइल नेम्स ऑन एयर रिज्यूम नेक्स्ट, सेट आपने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। एक्रो एक्स ई एक्स सी एच ओ, एम सॉरी, यहाँ पे जो है एक्सचेंज आ रहा था यहाँ पे, तभी वो कह रहा है उसमें एरर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है हैंडल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब इसको अब आप रन कीजिए, रन करने के बाद आप चेक करोगे ये आपकी सेट हो गई, ये भी हो गई, फर्स्ट फाइल ओपन हो गई आपकी। यस मर्जिंग प्रोसेस क्लोज, थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल, ये क्लोज। मैं यहाँ पे जो है एक पाथ सेलेक्ट कर लूँगा, वो मेरा डेस्कटॉप का पाथ होगा। मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया एंड विथ। अगर कोई पहले से फाइल होगी तो किल कर देंगे तो वो मर्ज कर देगा। गो टू एग्जिट सब, एग्जिट सब में यहाँ पे आ जाएगा वो, और डेटा हैज़ बिन मर्ज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो डेटा है वो पीडीएफ का बेसिकली मर्ज हो चुका है। 14 आपके जो पेजेस आ गए हैं। आप एक बार इसको यूज़र फॉर्म में आइए, यूज़र फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे आप इसको दे सकते हो पीडीएफ वाला, ये रहा आपका कॉल मॉड्यूल टू डॉट पीडीएफ फाइल्स। अब हमारे पास ये पूरा डायनेमिक हो चुका है। अगर मैं इसको पीडीएफ फाइल को कंपाइल करूँगा, यस यू कैन कंपाइल इट, मर्जिंग प्रोसेस मर्जिंग प्रोसेस मर्जिंग प्रोसेस, सेव ए लोकेशन, ऑल डेटा हैज बीन मर्ज। ठीक है, और इसको मैंने एज एड इन कैसे यूज़ किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको एज एड इन सेव कैसे किया है, मैंने क्या किया था, इसको फाइल में आने के बाद मैं इसको सेव एज किया, मैंने सेव एज ब्राउज पे आ जाइए। ब्राउज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल एड इन में आना है, एक्सेल एस ए एम, आपके जितने भी होगा यहाँ पे जो होगा आ जाएगा इसमें। मैं मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ डेटा अंडर स्कोर कंपाइलर के नाम से मैंने सेव कर दिया एक्सेल एस ए एम में। अब यहाँ पे आओगे आपके पास डेवलपर टैब के अंदर एक्सेल एड इन्स डेटा अंडरस्कोर कंपाइलर, आप इसको ओके प्रेस कीजिए, आपका बेसिकली यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुका है वो। तो ये सब जितने भी मैं लेके आया हूँ ये बेसिकली मैं कहाँ से लेके आया हूँ, कंपाइल डेटा कंपाइल डेटा कंपाइलर डेटा ऐप। ऑप्शंस में आओ, ऑप्शंस में आने के बाद आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज रिबन्स आते हैं। इसका भी मैं एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। यहाँ पे आपने जो है टैब इंसर्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे न्यू टैब, ये सब यहाँ पे न्यू टैब करके रीनेम करके ये सब। अगर आप मान लीजिए इसको मैं रीनेम करता हूँ, रीनेम किया मैंने कंपाइल डेटा के नाम से था, मैं इसको बोल दिया कंपाइल अंडरस्कोर डेटा, ओके किया। और इसका अगर आप रीनेम करना चाहते हो, रीनेम में मान लीजिए आपको इसमें इसका आइकन चेंज करना हो तो आप ये आइकन लेके ओके प्रेस कर दीजिए, ओके। जब इसको अब आप चेक करोगे आपका जो आइकन हो गया वो बेसिकली वो चेंज हो चुका है वो आइकन। तो कोई सी फाइल होगी आप कंपाइल इसमें कर सकते हो। डेस्कटॉप पे आइए आप, जंग डेटा मर्जिन प्रोसेस मर्जिन प्रोसेस मर्जिन प्रोसेस, सेव एक लोकेशन डेस्कटॉप, दिस ऑल डेटा हैज बीन मर्ज। अभी का मर्ज हुआ है, टाइम आप चेक कर सकते हो 8:44 8:44। ठीक है, तो गाइज ये था आपको दिखाने के लिए मेरे पास आज का वीडियो, इतना ही होगा।
इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, डेटा आपको जो फाइल है आपको एज ए एक्सेल एज एम मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आप मुझे, यू कैन ईमेल मी एट सुनील कुमार gmail.com, यहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो अगर आपको ये फाइल चाहिए तो। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये एक कोड है जो आप, अगर आपको डिबगिंग आती है तो आप इसको डिबग करके आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है जो हमारा डेटा कंपाइलर था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन यू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।